वह कौन ताकत है जिसने बृजभूषण शरण सिंह को पास्को के मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी इतनी बड़ी छूट दी है? कुर्सी का लालच है या फिर मुझे लगता है कि भाजपा को बचाने का खेल है? गुजरात एक राज्य है जहां से नरेंद्र मोदी अमित शाह स्वयं आते हैं। 2016 से लेकर के 2020 तक 5 सालों का आंकड़ा है, 41,621 महिलाएं लापता हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार कानून होते हुए पास्को के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आज पेश हुआ और पेश होने के बाद वो कह रहा है कि ठीक है सब, जब हमारे देश में ISI का निदेश जासूस DRDO का निदेशक बन जाता हो, बेटियों का यौन शोषण करने वाला कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन जाता हो, इस देश में कुछ बेटियों का यौन शोषण करने वाला उसको बचाने वाला देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैठ जाता हो। आज दोपहर खबर आई कि जो आरोपी हैं बृजभूषण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपने बयान को दर्ज करवा लिया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं बेगुनाह हूं, मुझे लगातार फंसाया जा रहा है। और वही बयान दिल्ली पुलिस के सामने दिया है जो बयान मीडिया के कैमरों पर लगातार दिया करते थे। कैसे देखते हैं रावत जी, उनका बयान सामने आ गया, वो भी दिल्ली पुलिस को बयान अपना दर्ज करवा दिया। देखिए, इन्होंने DCP रैंक के 10 महिलाओं की जांच अधिकारियों की टीम तय की है जो देश के अलग अलग राज्यों से सबूत जुटाने का काम करेगी और बाकी दूसरे देशों में जहाँ के सबूत है वहाँ की जो कंसर्न समझ व्यवस्था है उनके साथ संपर्क करेंगी। मैं आपके माध्यम से सिलसिलेवार कहता हूँ, एक तो बड़ा अहम सवाल है, पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद 28 तारीख को हुआ था, 15 दिन बाद पुलिस के समक्ष पेश, वह कौन ताकत है जिसने बृजभूषण शरण सिंह को पास्को के मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी इतनी बड़ी छूट दी है? दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पूरे प्रक्रिया के अंदर क्या ये संयोग है कि प्रयोग है, पास्को के तहत मुकदमा दर्ज कराने वाली पहलवान आज अदालत में अपने एक बयान दर्ज कराने जाती है और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह अपने बयान दर्ज कराने के लिए जाता है, ये संयोग है कि प्रयोग है? क्या उस बालिका के कोर्ट में दिए गए बयानों को क्या क्या बयान है? ऐसा तो नहीं है कि इसको घालमेल का मामला भी हो? मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ, अदालत ने समय दिया है 12-13 तारीख का कि भाई इनको रिपोर्ट देनी है। अब रिपोर्ट से पहले कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने आज बयान दर्ज करा दिया, वही उनकी इच्छा पर है, जरूरत पड़ेगी दोबारा बयान देने जाएंगे। सत मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, 67,000 मामले जिस देश में पास्को के तहत पेंडिंग पड़े हुए हों और हमारे देश के अंदर इस पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने पर हर आरोपी को पहले गिरफ्तार किया गया, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है ये षड्यंत्र है या संयोग? मैं फिर आपके इस माध्यम से ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बृजभूषण शरण सिंह ने आज का ही दिन क्यों चुना? सवाल तो बेटियां भी कर रही हैं, सवाल तो देश भी कर रहा है कि गिरफ्तारी कब होगी, इसका जवाब किसके पास है? नहीं, इसके देखिए, मैं आपके माध्यम से आपने बहुत बड़ी, एक तो मुझे लगता है विनेश और साक्षी ने बहुत बड़ी लाइन खींची है। मैंने पहले भी कहा था, पहले शायद क्योंकि ये खेल में व्यस्त थी, इन्हें अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये देश के तमाम पीड़ित बेटियों का मंच है, हर पीड़ित बेटी के परिवार के लोगों को यहाँ खड़ा होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही है वो कही है कि हम अपनी शिकायतों पर कायम हैं, इसके लिए हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से और बिल्कुल मैं ये बात मैं विनेश से भी कहूँगा, साक्षी से और तमाम उन लड़कियों से कहूँगा, क्योंकि वह दावा कर रहे हैं कि हम तैयार हैं अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं कहूँगा उनसे कि वो इसके लिए अदालत में शपथ पत्र पेश करें कि वो जो कह रही है वो उस पर कायम है, उन्होंने अपनी जो शिकायत दर्ज कराई है उसके लिए वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है, शपथ पत्र तक पेश करके। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, क्या कह सकती हैं बेटियाँ जब ये बेटियाँ मुँह से कह रहे हैं, धरना दे रही हैं, चुनौती दे रही हैं, तब हमारे देश की अदालतें नहीं सुन रही हैं। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अदालत में बैठे जज भी इस पूरे मामले में धृतराष्ट्र की भूमिका में है, हमें लगता है कानून पंगु हो चुका है, कानून लाचार हो चुका है, मुझे लगता है कि जजों की जो रीढ़ की हड्डी है वह भी सीधी नहीं है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, इसके कई कारण हो सकते हैं,
आज आपने देखा, मैं बार बार कहता रहा हूँ, हमारे देश के अंदर या तो जस्टिस लोया की हत्या का भय है जजों को, या फिर राज्यसभा की कुर्सी का लालच है, या फिर मुझे लगता है कि भाजपा को बचाने का खेल है। अन्यथा क्या कारण हो सकता है कि ये बेटियां बैठी हुई ही है, धरना दे करके अपना जीवन भी खराब कर रही है, क्योंकि ये पहलवान है। एक एक दिन की एक्सरसाइज ना करने से इनके एक एक महीने का फर्क पड़ता है। यह षड्यंत्र है, और मुझे लगता है कि ताकि प्रमाणिक तौर पर यह बात हो जाए कि यह कुश्ती के लायक न बच पाए, इसलिए इस मामले को लंबा लटकाया जा रहा है। और उसके मोदी जी बिजी थे चुनाव में, कल नतीजे आ जाएंगे, हार जीत का फैसला हो जाएगा, हो सकता मोदी जी 14-15 तारीख में एक्टिव हो जाए, कोई कार्रवाई कर दे। नहीं, ये जो आपने कहा है, देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, इसको थोड़ा ऐसे भी समझना चाहिए कि इनका खेल क्या है। हमारे यहाँ गुजरात एक राज्य है जहाँ से नरेंद्र मोदी अमित शाह स्वयं आते हैं। 2016 से लेकर के 2020 तक 5 सालों का आंकड़ा है, 41,621 महिलाएं लापता हैं। और जो मैं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है, और एक एक गुमशुदगी की FIR दर्ज है। ये 20 के बाद से आंकड़ा नहीं है, 2021 का कितना है, 22 का कितना है, 23 तक कितना हो सकता है, ये आंकड़ा इस समय 60,000 क्रॉस कर चुका हो। महिलाएं गुम होती हैं मोदी के राज्य की, महिलाएं गुम होती हैं भाजपा शासित राज्य से, 5 साल में 41,621, और लापता होती दिखाई जाती हैं केरल की 32,000 महिलाएं। इस खेल को, जो आपने कहा व्यस्तता का खेल, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक हमारे देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को बदनाम करने के लिए उनके द्वारा यौन शोषण की शिकायत की गई, जिसके खिलाफ उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ताकि बेटियों को बदनाम करने का रास्ता निकाल जाए। दूसरा, पूरे केरल की बेटियां दुनिया के एक एक देश में स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, पूरे केरल को बदनाम करने के लिए गुजरात की 41,621 2020 तक गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है महिलाओं की, उसको पर्दा डालने के लिए पूरे केरल को बदनाम किया जा रहा है। और तीसरा षड्यंत्र क्या है, तीसरा षड्यंत्र यह है, क्योंकि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ा और इस वहां से सांसद थे, इसलिए ताकि ये संदेश दे, ये कामयाब हो संदेश देने के लिए कि राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ा है वहां हिंदुओं की बेटी को जबरन पकड़ के मुसलमान बनाया जाता है। जैसे ये सवाल कर रहे हैं कि देर से ये मामला क्यों उठ रहा है, 32 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की बलात्कार पीड़िता के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को जुर्माना करना पड़ा, सजा सुनाई गई, चाहे आर्थिक तौर पर, अरे भारत में कहा जा रहा है कि लेट से कैसे हुआ। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक चुनौती आपके माध्यम से, एक इन बेटियों ने कहा हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है अपनी शिकायत पर, और मैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मैं ये दावा भी करता हूँ, जरूरत पड़ने पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक शपथ पत्र पेश करेंगे एफिडेविट अदालत के अंदर, कि हम अपने आरोपों के पक्ष में आरोपों के लिए अपना नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार है। सुनिए, ये दूसरा, मैं शपथ पत्र पेश कर सकता हूँ जहाँ मोदी सरकार कहे कि 41,621 गुजराती महिलाएं 2016 से 20 तक लापता हुई है। और तीन, मैं चुनौती देता हूँ मोदी को और तमाम सरकार को, भाजपा सरकार को, उस प्रोपेगेंडा फैलाने वाले को, ये केरला स्टोरी को चलाने वालों को, उसका हवा देने वालों को, वो अपने बाप की औलाद है, तो मात्र 100 FIR दिखाएं केरल में उन लड़कियों की, जो लड़की जिनका धर्म परिवर्तन किया गया हो। हमारे देश के अंदर DRDO राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सबसे बड़ा, आप समझो डिफेंस का, उसका अनुसंधान, उसका जो निदेशक है डायरेक्टर प्रदीप करुलकर, वो CIA का एजेंट है पैसा लेकर के। और कौन है वो हमारे देश में सावरकर का भक्त है। बड़े डरपोक हैं आप लोग। सुनिए, सावरकर का भक्त है। अब पैसा लेकर के DRDO का डायरेक्टर CIA का एजेंट बन सकता हो, तो हो सकता है कि पैसा लेकर के केरल की 3 FIR सिर्फ है, हो सकता है केरल की ऐसे ही RSS और मोहन भागवत, इनके इशारे पर सावरकर के जो भक्त हो उसके परिवार की 3 महिलाओं को पैसा देकर ISIS के साथ में जोड़ा गया हो, जब ISI के साथ में DRDO का निदेशक ले पकड़ा जाता है जासूसी के लिए, आप समझो उसकी मुखबरी करने के लिए। अनुसंधान हमारे देश की सुरक्षा का, अनुसंधान का सबसे बड़ा हुआ है जरिया। तब आपको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब पहलवान बेटियां सड़क पर धरना देते हुए कह रहे हैं हम नार्को टेस्ट कराने के तैयार है अपनी शिकायतों पर, तो नरेंद्र मोदी की सरकार कानून होते हुए पास्को के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है?
आज पेश हुआ और पेश होने के बाद वो कह रहा है कि ठीक है सब हम जो भरोसा रखिए कानून पर, संविधान पर, अदालत भरोसा की कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग बहुत डरपोक हैं। डरपोक इसलिए सुनिए, डरपोक इसलिए हैं, एक मूवी की आ गई, आप लोग बौखला गए। बताइए कितने बहनों को धर्म खुलवाया जा रहा था, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, मूवी आ गई है, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी पूरे मंत्रियों के साथ देखते हैं मूवी। देखिए जो आपने कहा योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री उसका प्रचार कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ केरल के संदर्भ में 30,000 1553 गांव है। सुनिए सीरियस क्यों इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं एक मूवी को लेकर के? पहले सुनिए, केरल को समझिए, पहले 14 जिले हैं, 1553 गांव है और वहां पर बताया जा रहा, मैं चुनौती दे रहा हूं उन 14 जिलों में कौन है वो 30,000 महिलाएं, वो कौन से 30,000 परिवार है, वो 1553 गांव में कौन सी महिला, कौन सा परिवार है जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है? मैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी को अपने दो सबूत ला के दो। और गुजरात की 2016 से 20 तक 41,621 महिलाएं गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR है दर्ज। अगर हो जाएगी आपको ऐसे बोलेंगे अमित शाह जी को, मैं चुनौती देता हूं, मैं 41,000 महिलाओं की गुमशुदगी की FIR गुजरात की 5 साल पीछे की मैं बात कर रहा हूं 20 तक की मैं लाकर देने के तैयार हूं। ये राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है, ये मेरी और संघ की रिपोर्ट नहीं है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, मैं हैरान हूं ये बेटियां बैठी है नार्को टेस्ट कराने की चुनौती देकर के, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इनके इन्होंने 7 शिकायतें दर्ज कराई, 2 FIR दर्ज की गई है, 5 FIR गोल कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश भी साइलेंट है। मैं तो हैरान हूं सब अलग अलग, ये ऐसा नहीं है कि 7 लड़कियों को एक जगह छेड़खानी की गई हो, यौन शोषण किया गया हो, 7 लड़कियों की घटना अलग अलग है, 7 अलग अलग मुकदमे दर्ज होने थे, बेमानी और षड्यंत्र है, 5 मुकदमे गायब कर दिए गए। और तीसरी बात, आज ही संजोग है कि प्रयोग है, आज ही नाबालिग बेटी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराती है और आज ही ब्रजभूषण जाता है मिलने के लिए। ये पूरा षड्यंत्र हमारे देशवासियों को समझना चाहिए, ये क्या कारण है जब गुजरात फंसता हो 41,000 महिलाओं के लापता होने पर। मिस्टर सिन्हा है वहां पर, जो सीनियर IAS ऑफिसर है और मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने कहा वैश्यवृत्ति में धकेल दिया ऐसी महिलाओं को, हो सकता है उन 41,621 महिलाओं में से IAS में भी भेज दिया हुआ RSS के लोगों ने, क्योंकि RSS का और मोहन भागवत का चहेता DRDO का निदेशक ISI का एजेंट पकड़ा गया अभी, DRDO का बहुत बड़ी पावर होती है। तब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दुख और अफसोस की बात है जब हमारे देश में ISI का निदेश जासूस DRDO का निदेशक बन जाता हो, बेटियों का यौन शोषण करने वाला कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन जाता हो, इस देश में कुछ बेटियों का यौन शोषण करने वाला, उसको बचाने वाला देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैठ जाता हो और जजों की भूमिका में धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले हो, तब ऐसे में अगर आप हमसे कहेंगे यकीन करो कानून पर, संविधान पर, कोर्ट पर, तो कैसे यकीन कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसे चलेगा देश, कैसे होगा काम? नहीं, देश तो देखिए, देश चलना संविधान से चाहिए, लेकिन मैं जिस तरीके से मानता हूँ इस समय देश पूरे के पूरे संघ के विधान से चल रहा है, अन्यथा पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने पर जिस तरीके से 67,000 लोग पहले गिरफ्तार हुए शिकायत होते ही, वैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने गिरफ्तार होना था, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश विधान की जगह संघ के विधान से चल रहा है, संविधान की जगह ये स्थिति हो रही है। संविधान यहाँ 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 पर देश में संविधान नहीं लागू है, आप ये कह रहे हैं संविधान की अनदेखी की जा रही है, संविधान तो यह कहता है। अच्छा एक मिनट, आपके माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूँ, 67,000 पास्को के मामले जो पेंडिंग है उनमें पहले चंद्रचूड़, सुनिए चंद्रचूड़ साहब में रीढ़ की हड्डी है, अब तो उनपे मूवी बनेगी। आपने सुना नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, चंद्रचूड़ साहब बताए यदि यौन शोषण की शिकायत करने पर तत्काल FIR दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, तो अब तक जो FIR पहले दर्ज हुई है ब्रजभूषण से पहले, उन सब FIR दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करें। दो, पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद सीधी गिरफ्तारी 67,000 मामलों में हुई है, तो पहले सीधी गिरफ्तारी करने वालों को जेल में डालो, उन पुलिसकर्मियों को, जब पहले आप जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। और इसके पीछे फिर आपको बताता हूँ, इसके पीछे मामला है राम मंदिर, राम मंदिर मामला नहीं है,
गोधरा में रेल ट्रेन में जो कार सेवकों को फूका गया था, असल मसला वो है। ब्रजभूषण शरण सिंह को मालूम है, जानकारी है कि गोधरा में कार सेवकों की बोगी को जलाने वाले मोदी के इशारे पर कौन कौन लोग थे। कितना भी हल्ला मचा लीजिए, कितना भी हल्ला मचाइए, 24 से मोदी जी आएंगे। सुनो सुनो सुनो, और इसलिए मुझे लगता है कि पूरी जांच पड़ताल उसके पास सारी जानकारी है, अगर उसने मुंह खोला तो उसके सुनामी में सब बह जाएगा। इसलिए एक बात होने वाली है, बेटियों का धरना चल रहा है, हम लोग सब साथ में डटे हुए हैं, लेकिन ये होने वाला है जिस तरीके से हमारे देश में राम का नाम पर चंदा जुटाने वाला चिन्मयानंद को बरी कराया गया। नग्न वीडियो संसार ने देखी है, मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, नंगी अपने कॉलेज की लड़कियों से वीडियो उसकी, और उस लड़की को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, उसे फंसाया गया। ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया जाएगा, और किसी न किसी फर्जी मामले में विनेश को, साक्षी को, बजरंग पुनिया को इन पर झूठे आरोप लगा के फंसाने का षड्यंत्र किया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है देश में तमाम जो महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा होने वाला तबका और ताकत है, और तमाम उन माओं से जिनकी कोख से बेटियां जन्मी हैं, आपको सोचना चाहे कि देश में गोल्ड मेडल विजेता, ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के मामले की अनसुनी की जा रही हो, तब ऐसे में दलित, आदिवासी, मछुआरे, गरीब, भूमिहीन और अल्पसंख्यकों का क्या होगा। हमारे सामने उदाहरण है, यहाँ पर किरण नेगी का बलात्कार हुआ था, उसके गैंगरेप किया गया था, उसकी आंखों तेजाब से जलाया गया था, उसके बलात्कारियों को मोदी राज में बाइज्जत बरी कर दिया गया। हमारे सामने है बिल्किस बानो लड़ रही है, जिसके परिवार के 14 सदस्यों की 7 तो उसके सामने हत्या कर दी गई, उसकी 3 साल की मासूम बच्ची मारी गई थी, वो स्ट्रगल कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपके सामने कठुआ का वह 8 साल की मासूम बच्ची है जिसके बलात्कारियों के मंदिर में रखा। इस घटना से क्या लेने देना है? सवाल सुनो, सवाल क्या लेने देना है? बेटियों का मामला है, मैं कह रहा हूँ 8 साल की मासूम, 8 साल की मासूम के, 8 साल की मासूम के, 8 साल की मासूम के बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, और आपको भी मालूम है कि हाथ रस की बेटी की जुबान और कमर की हड्डी तोड़ करके और उसके शव को ठिकाने लगाया था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ पूरे देशवासियों, उठ खड़े हो जाओ, आ जाओ, ये तय है, अगर गोल्ड ओलंपिक विजेता बेटियों को नहीं सुना न्याय मिलेगा तो देश में किसी को न्याय मिलने वाला नहीं। ये अपील मैं करता हूँ, और मैं मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूँ, दोबारा से धृतराष्ट्रपन छोड़िए, आप कुछ अच्छे काम भी करते हैं, ये बेटियों के मामले भी न्याय कीजिए। 5 एफआईआर गायब कर दी गई है, 7 शिकायतें, 7 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, 7 एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये 5 एफआईआर क्यों कर दिए, ये काम भी आपको करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। कैसे 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 काम चलेगा रावत जी? आपने ज्ञान दे दिया, आप हल्ला मचा रहे हैं, जो है कि मोदी जी 24 में फिर से आ रहे हैं, और 47 तक मोदी जी कर्नाटक में ये 40 में सिमट रहे हैं। देखो बात करते हैं, कल नतीजे आ जाएंगे, आ जाएंगे, आपके सामने आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर देश में अंधभक्त भी है तो देश में वो लोग भी हैं जो देश के संविधान को, देश में महिलाओं, देश के इंसानियत को, भाईचारे को और देश के लोकतंत्र को बचाने वाले, वो सब एकजुट होने वाले हैं। धन्यवाद। भूपेंद्र रावत हैं, एक्टिविस्ट हैं, लगातार आवाज को बुलंद करते रहते हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, पीड़ित हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।